चेहरे हैं कि 100 रंग में होते हैं नुमाया, आईने मगर कोई सियासत नहीं करते। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। दरअसल आज जो शख्सियत या यूं कहे जो राजनेता आज हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है, उनकी छवि बिल्कुल स्पष्ट रही है और उन्होंने हर बात को बड़ी बेबाकी से लोगों के सामने रखा है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद है बाड़मेर जिले के बायतू से विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी जी। सर, आपका द पीके टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके राजनीतिक सफर को अगर हम संक्षिप्त रूप से जानना चाहें तो क्या बताएंगे आप? जी, कार्यकर्ता के तौर के ऊपर मुझे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैं शुरू से छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी मैं इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर और मैं संतुष्ट हूँ। जी, मैं एक ही युवाओं को बात करना चाहता हूँ कि इससे ये राजनीतिक क्षेत्र एक बेहतरीन क्षेत्र है, इसके अंदर आप योगदान करो, भागीदार बनो और इसके माध्यम से समाज, अपना क्षेत्र, देश के अंदर आपको बहुत बेहतर कार्य कर सकते। छात्र संघ चुनाव से ही आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उस राजनीति और इस राजनीति में कितना अंतर देखते हैं आप? राजनीति जो है या चुनाव है या राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक ये एक विश्वास के ऊपर आधारित है। जी, वहाँ भी हम लोगों के पास जो आधार था वो लोगों का विश्वास जीतना। विश्वास जीतने के लिए अगर हम उनकी आवाज़ बने, हम उनके फैसले अनुकूल करवाएं, तब विश्वास जीता जाता है। जी, तो राजनीति का मूल आधार विश्वास है। सर, चूंकि शुरू से ही आपने मुद्दों पर काम किया है और कांग्रेस की नीतियों से आप काफ़ी प्रेरित बताए जाते हैं, तो वो पार्टी की कौन सी विचारधारा है जिसने आपको राजनीति के असली जो मायने हैं समझाए हैं? आज़ादी से पहले से लेकर आज तक कांग्रेस एक इंक्लूसिव अप्रोच रखती, समग्र, सबको साथ में रखकर, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी, जो प्राकृतिक तौर के ऊपर ही वही व्यवस्था है और भारत की भी सोच वही है जो कांग्रेस की। जी, सूबे से लेकर देश की राजनीति में फिलहाल आप एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग इसे आप मानते हैं? चैलेंजिंग तो अपना काम, हर कोई काम चैलेंजिंग ही होता है। जी, पर पंजाब के अंदर एक प्रभारी के तौर पर हम लोगों ने एक बेहतरीन सरकार 111 दिन की चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व के अंदर चली। जी, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 10 दिन बाद यहाँ चुनाव है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। बात करें अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी की भी, तो चुनाव, जब छात्र संघ चुनाव हो रहे थे तब भी वो आपके सामने थे और आज भी वो आपके सामने हैं, स्थिति वही है, बस जगह बदल गई है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी राजनीतिक दल की जगह है, कभी वो जगह ज़्यादा हो जाती है, कभी वो जगह कम हो जाती है, कई जगह एक गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी, आज पंजाब के अंदर जो केंद्र सरकार का पंजाब के प्रति रवैया रहा, भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के प्रति रवैया रहा, मुझे नहीं लगता कि पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे। जो रिश्ता कांग्रेस का और पंजाब का रहा है, एक बेहतरीन रिश्ता रहा, सुख में, दुख में, आतंकवाद के समय, देश को जब भी जरूरत पड़ी, पंजाब के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंजाब में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और एक पुराने रिश्ते हैं कांग्रेस और पंजाब के। जी, जब हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, तब आपने पंजाब की कांग्रेस को एक संकट से उभारा था सिपह सालार के रूप में, और चाहे हम 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें पंजाब के, तब भी आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी कर रहे हैं, इस दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करते हैं आप, कितना बड़ा ये दायित्व है? मैं कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। हाँ, हमारे नेता हैं आदर्श जो दूरगामी सोच रखते हैं, कोविड के संदर्भ में, GST के संदर्भ में, और आज जो डिप्लोमेटिक हालात बने हुए हमारे आस पड़ोस के देशों से, देश का जो संबंध है, हर किसी विषय के अंदर राहुल गांधी जी की बहुत गहरी समझ है, सोच है, और वो हम लोगों के लिए आदर्श है।
जी, अगर हम ये जानना चाहें कि यहाँ पर जो है किस तरीके से चुनाव को जीतने को लेकर आपकी प्लानिंग है, क्या कुछ कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? पिछले दफे से ज़्यादा इस बार सीटें जीती जी, जो 111 दिन का सरकार का कार्यकाल रहा, बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, और जो पंजाब में कांग्रेस और पंजाब के रिश्ते हैं, तीनों के आधार के ऊपर हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी एक अलग पार्टी बनाई और भाजपा का जो है दामन थाम लिया, उसका कांग्रेस पर कितना असर पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का पंजाब में कोई आधार नहीं थे जी। जिस दिन नतीजे निकलेंगे ये बात उस दिन और खुली हो जाएगी जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी भगवंत मान को सेम उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, तो उस वोट बैंक का कितना प्रभाव पड़ सकता है इन चुनावों में कांग्रेस पर? आम आदमी पार्टी का जो कहना करना और दिखने के अंदर बहुत फर्क है जी। पंजाब के लोगों के साथ वो कभी भी खड़े नहीं रहे। हाँ, पंजाब को बदनाम करने के लिए उन्होंने लगातार कार्य किए जी। जब पंजाब के किसान किसी बिल के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने वो किसी बिल अपने प्रदेश में लागू किया। प्रदूषण के संदर्भ में उन्होंने पंजाब के किसानों को बदनाम किया। नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के अंदर किसानों के साथ है ना देखा, वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। पंजाब के किसानों के संदर्भ में जो उन्होंने राघव चड्ढा के जो वक्तव्य के माध्यम से जो बात करी जी, शायद कोई भी पंजाब के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। उनका ये है कि पंजाब के अंदर एक अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पंजाब एक सूबा है, जागरूक सूबा है, ये अराजकता फैलाने वाले लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे जी। चूँकि विपक्ष भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो लगातार ये एलिगेशंस लगा रही है कि करप्शन है, अवैध रेत खनन जारी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? करप्शन का है, करप्शन को अगर कहीं किसी कोई मुकाबला कर रहा तो वो चरणजीत सिंह चन्नी जी। कॉर्पोरेट्स के साथ मुकाबला कर उन्होंने बिजली दरें कम करी, वो उनके अनुबंध जो 17-18-19 रुपये के थे उनको रद्द किया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। ड्रग्स माफिया के खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी ने मुकाबला किया जी। विक्रम मजीठिया के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करी, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने घुटने ही नहीं टेके, उन्होंने माफी तक मांगी जी। ये उनका चरित्र है। ट्रांसपोर्ट माफिया, उनको अरविंद केजरीवाल जी संरक्षण दे रहे। किसी पंजाब के एक ट्रक या छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए उन्होंने दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट में इजाजत नहीं दी हुई जी, सिर्फ बादल इसको दे रखी। इस तरह के इन लोगों का कहते कुछ और करते कुछ। ईडी की लगातार रेड जारी है अवैध रेत खनन को लेकर, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये ईडी कब आती है? चुनाव के वक्त ही ईडी क्यों आती? इन्होंने प्रयास किया तमिलनाडु के अंदर, केंद्र सरकार ने ईडी बीच का, क्या नतीजा निकला? एम के स्टालिन के घर पर इन्होंने सेंट्रल एजेंसीज भेजी जी। महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार के घर पर इन्होंने सेंट्रल एजेंसीज भेजी, क्या नतीजा निकला? वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के, इनके पास राजनीतिक मुकाबला करने की ताकत नहीं है चुनावों के दौरान ही सर, ये क्यों? क्या वजह? इसलिए ये अब सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से अपनी राजनीतिक जगह तलाशते हैं, और ये बुरी तरह से पहले भी नाकाम रहे और इन चुनावों में भी नाकाम रहे। पार्टी के हर काम को काफी नजदीक से आपने देखा है, क्या विजन है पार्टी का चुकी भविष्य को लेकर? नहीं, पार्टी देश के अंदर जो देश की सोच है, भारत की सोच के उसके अनुरूप भारत के लिए संघर्ष करी है। ये दो भारत, एक बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भारत और एक विघटन करने की सोच का भारत, उसके खिलाफ एक समग्र सोच का भारत का ये कार्य। कि अगले साल राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक भावी सीएम से बात कर रहे हैं? नहीं, पद के लिए और प्रतिष्ठा के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया जी। हम उस पृष्ठभूमि से हैं जिन्होंने, हम लोगों को हमारे पूर्वज कहते थे जिस दिन आपको दो टाइम की रोटी इज्जत की मिल जाएगी, छत पे मिल जाएगी और कपड़ा पहनने के लिए मिल जाएगा, तो आप मानना कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। और आज ईश्वर की मेहरबानी है जी, हमको तीनों चीज़ें मिल रही है, तो सबसे संतुष्ट।
क्योंकि जब पंजाब में सीएम बदला गया था तब हमने आपने एक बयान भी ये कहा था कि पंजाब की राजनीति को राजस्थान की राजनीति से नहीं तुलना की जा सकती है, क्या अंतर देखते हैं दोनों की राजनीति में आप? नहीं, हर प्रदेश के राजनीतिक हालात प्रश्नों में बिल्कुल अलग रहते हैं। तो पंजाब के राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग है, राजस्थान के राजनीतिक हालात। जैसे MLA के माध्यम से जो बातें उठी थी, उस वक्त भी कहना था कि MLA पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री जी के साथ में नहीं थे, एक भी MLA नहीं गया। अब जो MLA गए हैं जिनको हम टिकट नहीं दे रहे थे, जो दो MLA पार्टी छोड़कर गए पहले और बाद में जो गए उनको हमने टिकट नहीं दी, इसके कारण गए। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से उनका लगाव नहीं था, उनका साथ नहीं था, तो हालात यहाँ के। चूँकि एक कहावत है कि सियासत की अपनी एक अलग जुबान होती है, लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। नवजोत सिंह सिद्धू ने हमेशा मुखर होकर अपनी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार बनाया है चरणजीत सिंह चन्नी को, तो क्या समझा जाए पंजाब की सियासत में सब कुछ ठीक है? हाँ, ऑल इज वेल। नवजोत सिंह सिद्धू जी भी मजबूती से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए पंजाब के लिए कार्य कर रहे हैं, ऑल इज वेल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये थी हरीश चौधरी जी से हमारी खास बातचीत, जुड़े रहिए टॉपिक टाइम्स के साथ।